मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 13 में एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फेदर्स। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स एंड अ बीक टू। बर्ड्स वो होते हैं जिनके फेदर्स होते हैं, यानी जिनके पंख होते हैं। उनके पेयर होता है विंग्स का, मतलब पंखों के पेयर होते हैं, यानी दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एंड अ बीक टू, और उनकी एक चोंच होती है। जैसे बर्ड्स आपने देखे होंगे, पिजन, पिकॉक, क्रो एंड ईगल, ये इसके बर्ड्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ वी विल रीड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर द मोस्ट टाइनी एनिमल्स। ये बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड सम क्रीप अलोंग द ग्राउंड। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कीड़े मकोड़े जिनको बोलते हैं, वो ऐसे होते हैं जो कि ओनली फर्श पे ही रेंगते हैं, ग्राउंड पे रेंगते हैं। जैसे उनके एग्जांपल्स हैं बटरफ्लाई, मॉस्किटो, हनी बी, ये हैं इंसेक्ट्स। नाउ वी विल रीड रेप्टाइल्स। दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड क्रॉल। ये जो होते हैं ये ग्राउंड पे क्रॉलिंग यानी रेंगते भी हैं और चलते भी हैं। इनके एग्जांपल्स हैं स्नैक एंड लिजार्ड। आपने देखी होगी, लिजार्ड तो आपने अपने घर में ही देखी है ना, छिपकली, जो कि क्या करती है, दीवारों पे या फर्श पे रेंगती है। ये उड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। होम्स ऑफ एनिमल्स। लाइक वी लिव इन आवर होम, एनिमल्स टू हैव देयर होम्स और शेल्टर। जैसे हम हमारे घरों में रहते हैं ना, वैसे एनिमल्स के भी घर होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स फाइंड और मेक देयर ओन शेल्टर्स। जो जंगली जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शेल्टर खुद बनाते हैं। वी मेक शेल्टर्स फॉर पेट्स एंड फार्म एनिमल्स। लेकिन हम लोग जिनके शेल्टर बनाते हैं, किसके, जिनको हम पालते हैं और जो हम फार्म हाउस में रखते हैं, जैसे हैंस होती हैं, उन सब के लिए हम शेल्टर बनाते हैं, ठीक है ना। और पेट्स जो हमारे साथ रहते हैं, जिनको हम पालते हैं हमारे घर में। अ शेल्टर प्रोटेक्ट्स एन एनिमल फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स। जो शेल्टर्स होते हैं वो एनिमल्स को किससे बचाते हैं, गर्मी से, सर्दी से, अदर एनिमल्स से, बारिश से, इनसे इनको बचाते हैं। जैसे हनी बी लिव्स इन द बीहाइव। हनी बी किसमें रहती हैं, छत्ते में। आपने देखा होगा ना पेड़ों पे हनी बी के छत्ते लगे हुए, मधुमक्खी के। डॉग लिव्स इन अ कैनल। जो डॉग के लिए घर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैनल। हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। जो घोड़े होते हैं वो कहाँ रहते हैं, अस्तबल में, स्टेबल में। हैन लिव्स इन अ कूप। हैंस कूप में रहते हैं। बर्ड्स बिल्ड्स अ नेस्ट। जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो खुद के खुद नेस्ट बनाते हैं पेड़ों पे। एंट बिल्ट एंथिल्स। जो एंट होती हैं वो अपने बिल बनाती हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर लिटिल वंस। एनिमल्स आर देयर यंग वंस। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, यंग वंस, यानी उनके बेबीज। अब उनके बेबीज को हम किस नाम से बुलाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे काउ एंड काल्फ। जो काउ का बेबी होता है उसको काल्फ, डॉग के बेबी को पपी। पपी तो आपने भी देखे होंगे रोड पे। कैट के बेबी को किटन। हैन के बेबी को चिक। लायन के बेबी को कब। एंड शिप के बेबी को लैम बोलते हैं। नाउ टर्न द पेज। योर चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, आई विल सेंड यू वर्कशीट।